अगर आप इंडियन बैंक के कस्टमर हैं और अपने अकाउंट में कैश डिपॉजिट करना चाहते हैं तो एटीएम कम बीएनए यानी कि कैश रिसाइकलर मशीन में यह काम आसानी से कर सकते हैं। इस मशीन में कैश डिपॉजिट करने के लिए एटीएम कार्ड की आवश्यकता नहीं है। अगर एटीएम कार्ड है तो आप जमा एटीएम कार्ड के माध्यम से भी कर सकते हैं, और अगर आपके पास एटीएम कार्ड ना हो तो आप कार्डलेस डिपॉजिट भी कर सकते हैं। बिना कार्ड के आप इसमें अपना कैश डिपॉजिट कर सकते हैं, आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। आइए देखते हैं कि इसे कैसे किया जाता है। देखिए, यह है एटीएम कम बीएनए यानी कि कैश रिसाइकलर मशीन। इसमें देखिए, कैश डिपॉजिट के लिए आपको सबसे नीचे एक ऑप्शन मिल रहा है, फॉर कार्डलेस डिपॉजिट प्लीज प्रेस हियर। यहीं पर आपको टच करना है कॉर्नर में। अगर ये लिखा हुआ ना मिले तो आपको ऐसा मिलेगा, देखिए सबसे नीचे कार्डलेस डिपॉजिट प्रेस हियर, यहाँ पर टच कीजिए। अगर कुछ भी लिखा हुआ ना मिले, हो सकता है कि ऐसा स्क्रीन हो और आपको यहाँ पर कोई कुछ भी लिखा हुआ ना मिले, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको टच करना है यहीं कॉर्नर पर। इसी कॉर्नर पर टच करेंगे। स्क्रीन पर अगर कोई ऑप्शन आपको नज़र ना आए तो नीचे आप राइट साइड में यहाँ कॉर्नर पर टच करेंगे तो आगे का स्क्रीन ओपन हो जाएगा। देखिए, कॉर्नर पर टच करते ही ऑप्शन आ गया है कैश डिपॉजिट इन SB/CR। हालांकि यहाँ CA होना चाहिए, करेंट अकाउंट, यानी कि सेविंग अकाउंट या करेंट अकाउंट में अगर आपको डिपॉजिट करना है तो इसी ऑप्शन को प्रेस करेंगे, कैश डिपॉजिट इन SB/CR। इसको टच कीजिए। अब अपना अकाउंट नंबर एंटर करेंगे। ऊपर लिखा हुआ है प्लीज़ एंटर योर अकाउंट नंबर, अकाउंट नंबर अपना डालें। अकाउंट नंबर डालने के बाद करेक्ट को प्रेस करें, करेक्ट। ऊपर लिखा हुआ आ रहा है प्लीज़ री एंटर योर अकाउंट नंबर, यानी कि दोबारा एंटर कीजिए। जो अकाउंट नंबर आपने डाला था उसी अकाउंट नंबर को फिर से एंटर कीजिए, और एंटर करने के बाद नीचे करेक्ट बटन है, करेक्ट, इसको प्रेस करें। करेक्ट को प्रेस करते ही आपका नाम और आपका अकाउंट नंबर स्क्रीन पर आएगा। आप कंफर्म हो लें कि सही अकाउंट में पैसा जा रहा है। अगर यह इन्फॉर्मेशन सही है ऊपर में, तो नीचे बटन है कंफर्म, इसको टच करेंगे, कंफर्म। कंफर्म को प्रेस करने के बाद आप डिपॉजिट बटन को प्रेस करें, लिखा हुआ है डिपॉजिट, इसको टच करें, डिपॉजिट। उसके बाद कुछ टर्म एंड कंडीशंस हैं, इसको आप एग्री करें, टच कीजिए एग्री। एग्री बटन को टच करने के बाद आपके सामने अकाउंट टाइप का ऑप्शन है कि कौन सा अकाउंट है आपका जिसमें आप जमा करना चाहते हैं। करेंट अकाउंट है तो करेंट को टच करेंगे, अगर सेविंग अकाउंट है तो सेविंग अकाउंट टच करेंगे। अगर आपका सेविंग अकाउंट है तो प्रेस कीजिए सेविंग अकाउंट। सेविंग अकाउंट को प्रेस करते ही नीचे बॉक्स ओपन हो जाएगा। बॉक्स में आप सही तरह से अपने नोट को रख दें, और ध्यान रखें कि कोई कटे हुए नोट ना हो, खराब नोट ना हो, आप अच्छे नोट को इसमें डालें ताकि नोट फंसे नहीं। अगर नोट फंस जाता है तो आपको ब्रांच जाकर के कंप्लेन करना पड़ेगा, उसमें कुछ दिन का समय लगेगा आपके अकाउंट में आने में। अच्छा है कि आप सही अच्छे अच्छे नोट डालें ताकि वह फंसे नहीं और सही तरह से आपके अकाउंट में डिपॉजिट हो जाए। तो अगर आपने नोट रख दिया है बॉक्स में तो आप प्रेस करें कंटिन्यू, स्क्रीन पर कंटिन्यू है, कंटिन्यू को प्रेस करें और थोड़ा सा इंतज़ार करें क्योंकि लिखा हुआ है प्लीज़ वेट योर कैश बीइंग वेरीफाइड, आपका कैश चेक हो रहा है, थोड़ा सा इंतज़ार करें। और अब स्क्रीन पर आ रहा है कि आपने कौन से नोट कितने पीस रखे हैं और उसका टोटल वैल्यू कितना हो रहा है। तो अगर यह करेक्ट है तो आप नीचे डिपॉजिट को प्रेस करें, डिपॉजिट। और देखिए, स्क्रीन पर आ गया योर ट्रांजेक्शन कंप्लीटेड सक्सेसफुल्ली, प्लीज़ टेक योर रिसिप्ट। नीचे एक रिसिप्ट बाहर होगा, इस रिसिप्ट को आप ले लें। इस रिसिप्ट में कंफर्मेशन है कि आपका अकाउंट में पैसा जमा हो चुका है। बस, बहुत आसान सा ये छोटा सा प्रोसेस था। थैंक यू।